आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रिया हीर। आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। दिल्ली एमसीडी चुनाव में मतदान के बीच हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के एमसीडी चुनाव को लेकर राज्य की अरविंद केजरीवाल सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। मनोज तिवारी ने कहा है कि उनके इलाके में बीजेपी समर्थकों के सैकड़ों वोट काटे गए हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि केवल सुभाष मोहल्ला वार्ड में बीजेपी का समर्थन करने वाले 450 वोटरों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। ये दिल्ली सरकार की एक बड़ी साजिश है। इसके खिलाफ वह शिकायत करेंगे और इस चुनाव को रद्द करने और फिर से चुनाव कराने की अपील भी करेंगे। सुनिए उनका पूरा बयान। हाँ, ये तो बहुत बड़ी साजिश है। मुझे लगता है यहाँ का चुनाव कैंसिल करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ रही है, 450 वोटों को, ये जहाँ भी सुभाष मोहल्ला का है ना, सुभाष मोहल्ला वार्ड का ये चुनाव है, हम इसको चुनाव आयोग में ले जाएंगे। जिसने भी ये किया है, इस चुनाव को फिर से कराना पड़ेगा और ऐसे लोगों को पनिशमेंट देना पड़ेगा। कितनी शिकायतें अब तक आई है, मुझे कितनी शिकायतें अब तक आई है, आप सोचिए कि 450 वोट जो 30-30 साल से वोट दे रहे हैं, आप उनका वोट काट दिए क्योंकि वो बीजेपी समर्थक वोट है। कौन कर रहा है ये साजिश आपके मुताबिक? ये काम अरविंद, ये दिल्ली गवर्नमेंट का है, ये वोट काटना जोड़ना उन्हीं का काम है। लेकिन आप इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते हैं कि व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं, उसने लिखा नहीं, उसका आई कार्ड, उसका आधार कार्ड, आप उसका वोट काट दिए। शिकायत को लेकर आप क्या शिकायत? हाँ, मैंने अभी अभी किया। और ऐसे चुनाव, ऐसे ही चुनाव कैंसिल होते हैं, ऐसे ही री इलेक्शन होता है ना भाई। मनोज तिवारी ने कहा कि वह कट्टर बेईमानों और भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं अरविंद केजरीवाल। साथ ही कहा कि जिनके वोट काटे गए हैं उनकी बात सुनी जानी चाहिए। इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन से करने के सवाल पर मनोज तिवारी ने कहा कि मैंने विजय देव से फोन पर बात की है, मुझे लगता है कि इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, अगर जरूरत पड़ी तो री इलेक्शन की भी मांग करेंगे। तो वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी यही आरोप लगाया। उन्होंने साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि कई नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। मनीष सिसोदिया ने इसे लेकर साजिश का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि लोग पोलिंग बूथ के बाहर शिकायत कर रहे हैं कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। सिसोदिया ने कहा कि मैं इस साजिश के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत करने जा रहा हूं। बता दें कि दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, धांधली की साजिश रचने की बात कह रही हैं और दोनों ही इलेक्शन कमीशन के पास पहुंची हैं। और अब देखना होगा कि क्या इस मामले में कोई और बड़ी अपडेट आएगी। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से।